और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन कर दिया है, जिससे अब दिल्ली से मेरठ जाने वालों का सफर काफी आसान हो गया है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लगभग 9 किलोमीटर का पहला चरण है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए निजामुद्दीन रिंग रोड जंक्शन से लेकर पटपड़गंज पुल तक के लगभग 6.5 किलोमीटर के हिस्से का मुआयना किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जनता की भारी भीड़ देखने को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री रविवार सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री निजामुद्दीन रिंग रोड जंक्शन पर पहुंचे, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अलावा दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने यहां उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री को यहां सबसे पहले एक्सप्रेसवे से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं, जहां प्रधानमंत्री ने मिलेनियम डिपो पहुंचकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री खुले वाहन में निजामुद्दीन रिंग रोड जंक्शन से लेकर पटपड़गंज पुल तक के लगभग 6.5 किलोमीटर के हिस्से का मुआयना भी उन्होंने किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने पर 7,566 करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मेरठ जाने में महज 45 मिनट का समय ही लगेगा, जबकि फिलहाल अभी इस रूट पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से 2 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। नब्बे किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 841 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। यमुना ब्रिज पर हाईवे के दोनों ओर सोलर सिस्टम लगे हैं। ये देश का पहला ब्रिज होगा जिस पर वर्टिकल गार्डन, सोलर पावर सिस्टम और ड्रिप सिंचाई के इंतजाम होंगे। इस एक्सप्रेसवे के तहत निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी के गाजियाबाद तक 6 लेन बनी है। इनमें से 4-4 लेन हाईवे की है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर
ढाई मीटर चौड़ा साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 1.5 मीटर चौड़ा ट्रैक बना हुआ है। इस हाईवे का पहला चरण निजामुद्दीन से यूपी गेट, दूसरा चरण यूपी गेट से डासना, तीसरा चरण डासना से हापुड़ और चौथा चरण डासना से मेरठ में बना है। एक्सप्रेसवे का काम का रिकॉर्ड 17 महीने यानी करीब 500 दिन में काम पूरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वालों को जाम से निजात मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से अब सिर्फ 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकेगा, जबकि अभी 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे तक लग जाते हैं।